हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू रुचि को क्लास एफ आर यूजीसी नेट। आज हम जो है यूपीएसएससी के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है, चुनाव बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या जो है लेटेस्ट अपडेट आई है। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है। वही सदस्यों में के 6 में से 4 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। आपको पता है कि वैकेंसी होने के लिए कम से कम 3 लोग जो है उसमें 3 पद जो है भरे होने चाहिए, और अभी फिलहाल में 2 ही पद भरा हुआ है और अध्यक्ष भी होना चाहिए। ऐसे में कोरम के अभाव से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया 2022 में पूरी हो चुकी थी। अप्लीकेंट 1.14 लाख है। आयोग में अगर एक सदस्य की नियुक्ति भी कर दी जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा और 3 सदस्यों में किसी एक को अध्यक्ष के पद पर नामित करते हुए भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित की जा सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है, शासन स्तर से संकेत दिए गए कि आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। ऐसे में शासन जल्द ही आयोग में नए सदस्य या अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। इस तरीके से बहुत ही जल्द जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम होने के आसार अब दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 13 मई का जो है नगर निगम चुनाव ख़त्म हो जाएगा, तो आचार संहिता जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद जो है जो नए मेंबर हैं उनका गठन हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अधूरी भर्ती पूरी कराएगा या नहीं, यह आशंका तब तक बनी रहेगी जब तक कि आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति नहीं हो जाती है। यह संभावना भी बनी हुई है कि चुनाव के बाद शिक्षा चयन आयोग का गठन कर अधूरी भर्ती उसे पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो 13 मई के बाद काफ़ी कुछ सिचुएशन जो है क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी ही कराएगा कि नया जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होगा और उसके बाद होगा। इतना तो है कि चाहे ये गठन हो जाए और या तो जो है यूपीएससी, इसके बाद जो है एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होगा। तो चैनल पर नए अपडेट के लिए जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।